वर्धा जिले के मनोहा पुना से कई पीढ़ियों से गणित बनाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। गर्मियां शुरू होते ही ठंडे पानी की मार्ट तैयार करते हैं, जिसे गरीबों का फ्रिज कहा जाता है। बाजार में बिक्री के लिए आते हैं और उसी से परिवार का पोषण करते हैं। हर साल के मुकाबले इस साल ठंडा पानी 50 रुपए महंगा हो गया है। 150 रुपए का गणित 200 रुपए हो गया, 200 रुपए का गणित 250 रुपए हो गया, क्योंकि हर जगह महंगाई बढ़ गई है। इस वजह से मठा के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। बाजार में अपने पूर्वजों को विरासत में मिले कारोबारी मनोहर पुनासे 1,00,000 रुपए बेचते हैं। गणित को कीमत पर बेचकर गणित उपलब्ध करा दिया गया है। उनके पास बिक्री के लिए कई प्रकार के गणित, गुजरात गणित, बैतूल गणित, छापुर गणित और अलग अलग डिजाइन के ठंडे पानी के गणित 100 रुपए से लेकर 350 रुपए तक के हैं। ग्रीष्म काल आ रहा है, इसलिए मठ की बिक्री में इजाफा हो रहा है। माथा ठंडे पानी का मठ राख के साथ मिट्टी मिलाकर तैयार किया जाता है। मठ की बिक्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि गरीब लोग फ्रिज नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए गर्मी में नया माथा खरीदना ही एकमात्र साधन है और ठंडा पानी पीना ग्रामीणों का उद्देश्य है। मनोहर पुनसे ने कहा कि कुम्हारों को सरकार से किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती है। वे कई पीढ़ियों से गांव में मठ बनाने और बेचने का धंधा करते आ रहे हैं। मैं अलीपुर मनोहर विठोबाजी पुना से माठवाला। मैं माठ स्वतः बनवतो, काही विकत आणतो आणि ते विकतो। माझ्याकडे माठ हर प्रकारचे आहे, 150 तर 350 ते 400 रुपयापर्यंतचे माठ आहे। गुजरातचा माठ आहे, बैतूलचा माठ आहे, सगळा माठ माझ्याकडे आहे, उपलब्ध आहे। आणि ठोकसुद्धा मी विकतो आणि चिलरी विक्री करतो। माझे माठ घोड्याची इलीद, राखड आणि माती याच्यापासून मिश्रण करून त्याचे माठ तयार करतो। जवळपास 15-20 दिवस लागते माठ बनवायला। 100 घरचे मंडळी सगळीच मदत करू लागतात। पिढीजात माझा व्यवसाय, मी कुंभार समाजाचा असल्यामुळे पिढीजात आहे, आमच्या आजोबा आई वडील सगळंच करत होते। हा जवळपास 1,50,000 रुपयाचा व्यवसाय होतो वार्षिक। नाही, शासनामार्फत काहीच अनुदान किंवा कोणतं काही आम्हाला सपोर्ट नाही आहे। स्व खर्चावर, स्व याच्यावर, मेहनतीवर। शासनाला मागणी अशी आहे की आम्हाला फक्त माल उतरवण्यासाठी किंवा माल ठोक आणण्यासाठी आम्हाला थोडंसं सहकार्य केलं तर आम्ही जास्त धंदा वाढू शकतो। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।